मुंबई के पॉश इलाके कैंप कॉर्नर में 26 मंजिली इमारत में आग लगी तो सुरक्षा के सारे दावे धरे के धरे रह गए। चमचमाती बिल्डिंग में मौत नाच रही थी, 6 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं। अफसोस की बात यह है कि घायलों में 6 दमकल कर्मचारी हैं जो दूसरों की जान बचाते हुए जख्मी हुए। ऊंची इमारत की खिड़कियों से निकलती लपटे, लोग घरों से बाहर थे और अंदर आग धधकती जा रही थी। मुंबई के कैंप कॉर्नर में ये 26 मंजिला इमारत जिसका 12वां फ्लोर आग की चपेट में है। आग बढ़ती रही, दमकल विभाग की गाड़ियों की तादाद भी। करीब 20 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। दमकल कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस इमारत के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की थी। इस कोशिश में दमकल विभाग के 2 कर्मचारी खुद भी आग की चपेट में आ गए। मुंबई के पेडर रोड के माउंट ब्लैक इमारत के 12वें माले पर जो है वो आग लगी है। जो पूरी बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और इसीलिए पूरी बिल्डिंग फायर ब्रिगेड ने खाली कर दी है और जो रेसिडेंट यहाँ के रेसिडेंट्स है वो नीचे सब आ गए हैं और देख रहे हैं। अब तक पूरी तरह से जो है वो आग पे काबू नहीं पाया गया है। रिहायशी इमारत में लगी इस आग में करोड़ों के नुकसान होने की खबर आ रही है।